मंत्री दियारा क्षेत्र के अंतर्गत टेंगराहा गांव में मां सरस्वती स्थान के प्रांगण में ऐतिहासिक वार्षिक संकीर्तन का शुभारंभ हुआ है। संकीर्तन की सबसे बड़ी बात यह है कि कोसी दियारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां हर तरह के सुख सुविधाओं का अभाव है। बावजूद इसके यह संकीर्तन आगामी एक वर्ष तक जारी रहेगा। मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा क्षेत्र अंतर्गत टेंगराहा गांव में मां सरस्वती स्थान के प्रांगण में ऐतिहासिक वार्षिक संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पूरा पंचायत भक्तिमय माहौल में तब्दील हो गया है। समस्त टेंगराहा गांव निवासी के सहयोग से यह संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण विद्यानंद मंडल ने बताया कि आस्था का यह कार्यक्रम मन शांति के साथ विश्व शांति के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। यह धार्मिक कार्यक्रम कोसी दियारा क्षेत्र का ऐतिहासिक है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हर तरह के सुख सुविधाओं का यहां अभाव है और उसके बावजूद यह कार्यक्रम एक वर्ष तक चलता रहेगा। कोसी दियारा के लोगों में इस संकीर्तन के आयोजन से काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा है और क्षेत्र भक्तिमय बना हुआ है। इस प्रोग्राम से क्या उद्देश्य है ग्रामीणों का? इस प्रोग्राम से ग्रामीणों का यह उद्देश्य है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का पहला मंत्र यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरा विश्व जो है वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, पूरा विश्व जो है वो सुखी रहे, बस इसी कामना के साथ हम लोग ये इस अनुष्ठान को प्रारंभ किए हैं और ईश्वर से यही आशा है, विश्वास है कि शायद इस अनुष्ठान को पूरा हो तो पूरा विश्व जो है वो समृद्ध हो जाए। उसके लिए आप लोगों की कैसे टीम बनी हुई है? जी, यहाँ पे अभी फिलहाल रामनाम संकीर्तन के लिए चार टीमें हैं जो अनुरत काम कर रहा है। अपना परिचय दे। जी, मेरा नाम पंडित राज बिहारी लाल, मेरा घर भेजा पड़ता है, मैं मधुबनी जिला निवास करता हूँ। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।